मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और ऐसे में मानसून सत्र जो है काफ़ी छोटा है, जिसमें विपक्षी दलों ने कई मुद्दे को लेकर हंगामा कर रखा है। एक ऐसा ही मुद्दा तेजस्वी यादव के चार्ज सीटेड का है, जिसमें तेजस्वी यादव ने क्या कुछ सफाई देते हुए कहा चार्ज सीटेड बयान पर, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। बात समझिए, बीजेपी के लोगों को बिहार के विकास या बिहार की जनता की चिंता नहीं है और लगातार जो भी कार्रवाई है नियमानुसार सदन को चलने देना चाहिए, वो चलने नहीं दिया जा रहा। हंगामा, ऐसा हंगामा जहाँ टेबल कुर्सियाँ जो हैं पटकी जा रही है, तो बिहार की जनता सब चीज़ देख रही है कि ये लोग जो है जनता के मुद्दे से इनको कोई मतलब नहीं है। इनका एकमात्र मकसद है केवल हंगामा करना और सदन को ना चलने देना। कभी भी कोई भी ऐसी बात, तार्किक बात या बहस इनके नेता करते नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता। हम लोग तो बड़ी तैयारी के साथ आए थे कि भाई सारे सवालों का हम लोग जो है जवाब देंगे, लेकिन प्रश्नकाल जो होता है, सत्र जो चलता है, तारांकित होता है, ध्यान आकर्षण होता है, अल्पसूचित होता है, जहां कई माननीय सदस्यों का सवाल जो है पूछा जाना होता है, लेकिन उसको भी नहीं चलने दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि क्या बना। और जहां तक शिक्षकों की जहां तक बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है, वो सारी चीज़ों को स्वयं देख रहे हैं और जो भी शिक्षक नेता हैं जब सदन ख़त्म होगा तो सबको बुला करके जो है उनसे बात की जाएगी, उनसे संवाद किया जाएगा। कितनी अच्छी पहल है कि भाई संवाद हो रहा है, एक प्रधानमंत्री है, किसान बेचारा रगड़ता रह जाए नाक रोड पर, लेकिन प्रधानमंत्री के पास मिलने का समय नहीं होता। पहलवान, जो महिला पहलवान है, जो ओलंपिक्स देश का नाम रोशन किया, ओलंपिक्स में मेडलें जीत के लाती हैं, उनके साथ शोषण होता है, उनकी आवाज़ को प्रधानमंत्री नहीं सुनते हैं। लेकिन यहाँ माहौल अलग है, यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हम लोगों को विश्वास है, सब लोग को बुला के राय लिया जाएगा, उनकी भी राय को जानेंगे समझेंगे और नियमानुसार जो काम होगा बिहार के हित के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए, गुणवत्ता शिक्षा के लिए, वो हम लोग निर्णय लेंगे। और हमारी सरकार लगातार रोजगार दे रही है, सरकारी नौकरियां बहालियां निकल रही हैं। अब जल्दी हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट पे पब्लिक हेल्थ कैडर लाने जा रहे हैं, तो उन लोगों को भी हम लोग जो है पक्का नौकरी जो है सरकार हम लोग देने का काम करेंगे। तो इन लोगों को इन मुद्दों से तो लेना देना नहीं है, बेकार की बातें करना। जहाँ तक मेरी बात है तो ये कोई पहला चार्जशीट तो है नहीं और अंतिम भी नहीं होगा। जिस दिन सरकार बनी थी, आपको पता होगा अगस्त के महीने में 8 तारीख को ही हमने कहा था, 8 अगस्त कि भाई अब जो है सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग जो है ये शुरू करेंगे। और एक महीना पहले ही तो हम आप लोगों को बता दें कि भाई हो सकता है मेरा भी नाम जो है लोग जो है चार्जशीट में लाएगा, क्योंकि 24 में डर है, भय है, और जो महाजुटान लोगों का हो रहा है और पटना में इतनी बड़ी ऐतिहासिक बैठक हुई है तो उससे घबराए हुए लोग हैं, क्योंकि बीजेपी जो है अब जाने वाली है। ये जनता की मांग और पुकार है देशवासियों जब नहीं थे। अरे भाई आप निशाने पर, अच्छा किस बात का FIR? या हम तो भाई पहली बार ही MLA और उप मुख्यमंत्री, मंत्री भी पहली बार बने तो 2015 में बने। ये मामला कब का है तो बताइए ना। ये जो मामला जो मेरे पर चार्जशीट हुआ
कब का है? कार्यकाल तो 2004 से 9 लालू जी का था यूपीए 1 में। 2000 मेरा जन्म हुआ 9/11/89, तो आप समझ लीजिए कि 2004 में मेरी क्या उम्र हुई। अरे मेरे काम, हम 15 में मंत्री बने, 18 महीने तक उप मुख्यमंत्री रहे, अभी एक साल भी नहीं हुआ, कौन सा अपराध कर लिया जो भ्रष्टाचारी कह रहे हो? लेकिन महाराष्ट्र में छगन भुजबल, जो पवार, अजीत पवार जो हैं, कुछ दिन पहले चार्जशीट हुआ, छगन भुजबल जेल होकर के आए, अब बीजेपी जो है माला पहन के स्वागत कर रही है, तो भ्रष्टाचारी नहीं है, वॉशिंग मशीन है ना भाजपा। लेकिन इनका पाउडर ख़त्म हो रहा है, टाइमलाइन ख़त्म हो रहा है, अब मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगा, जनता बंद करेगी भाजपा के। देखिए हम पहले भी बोले थे, नरेंद्र मोदी जी और भाजपा जो है झूठ बोलने की फैक्ट्री भी है, होलसेलर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है। और ये झूठ बोलने वाली जो कंपनी है भारतीय जनता झूठा पार्टी, इस पे जनता ताला लगाने जा। तो आपने साफ तौर पर सुना कि तेजस्वी यादव का कहना है कि भाजपा को कोई मतलब नहीं है बिहार की जनता और बिहार के विकास के लिए। हम लोग सोचे थे कि सत्र में हम लोग विपक्षी के बातों को सुनेंगे और सबकी बातों पर अमल करेंगे, लेकिन इन लोग हैं जो पूरी तरह से सत्र को सुचारू रूप से चलने नहीं दे रहे हैं और काफी ज्यादा हंगामा करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें देशटी न्यूज़। धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।